अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं गुलनाज राशिद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टिप्स टू बी हैप्पी इन लाइफ। आज मैं अपने बच्चों की फरमाइश पे वाइट कढ़ाई बनाने लगी हूं, जो कि बहुत ही सिंपल तरीके से और रेस्टोरेंट स्टाइल में बनेगी। इसके लिए आपको जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी वो मैं आपको बता देती हूँ। इसके लिए मैंने लिया है 1 kg चिकन, इसको मैंने वॉश करके स्टेन कर लिया है, और 4 tablespoon क्रीम, ये मैंने ब्रांड की क्रीम ली है, आप कोई भी क्रीम या होममेड अगर आप बना सकते हैं तो वो क्रीम यूज़ कर सकते हैं। 1 पाव दही, लहसुन अदरक का पेस्ट 2 tablespoon, और मसालों में देखें ये काली मिर्च है 1 teaspoon, सफ़ेद ज़ीरा, ये मैंने सारे मसाले पहले रोस्ट करके इनको ग्राइंड कर लिया है, ये 1 teaspoon ब्लैक पेपर, 1 teaspoon सफ़ेद ज़ीरा, 1 teaspoon खुश्क धनिया, 1 teaspoon सफ़ेद मिर्च वाइट पेपर, और 1 teaspoon ही सॉल्ट। ग्रीन मसाले में हमें चाहिए होगा धनिया काटा हुआ बारीक, और अदरक है इसे मैंने बारीक और लंबा काट लिया है, 5 मैंने सब्ज मिर्च ली हैं, साबुत हैं ये, लेकिन ये मैं इनको किसी डिफरेंट स्टाइल से डालूंगी, आप देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये 1 कप ऑयल मैंने हीट होने के लिए रखा है, यहाँ पे ये गर्म हो रहा है। अब मैं इसके अंदर 1 kg जो चिकन लिया है हमने वो ऐड करूँगी, ये मैंने स्टेन कर लिया है, अब मैं इसके अंदर डालती हूँ। अब मैं इसे थोड़ी देर फ्राई करूँगी। ये चिकन वाइट होना स्टार्ट हो गया है, हमने इसे इसी तरह से भूनना है। इसके अंदर अभी मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया, कोई मसाला ऐड नहीं किया, इसे सिर्फ फ्राई कर रहे हैं। तकरीबन 7-8 मिनट हम इसे इसी तरह से फ्राई करेंगे। अब दही के अंदर मैं ये मसाले जो मैंने भून के पीस के रखे हुए हैं ये मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। नमक के अलावा बाकी तमाम मसाले मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। ये देखिए, ये वाइट पेपर है 1 teaspoon, खुश्क धनिया 1 teaspoon, सफ़ेद ज़ीरा 1 teaspoon, और ये ब्लैक पेपर ये भी 1 teaspoon। नमक इसमें ऐड नहीं करेंगे, योगर्ट में नमक मैं अभी थोड़ी देर में जिंजर गार्लिक पेस्ट के साथ ही ऐड करूँगी। अब ये 7 मिनट हो गए हैं चिकन को इसी तरह से फ्राई होते हुए, और ये मुकम्मल तौर पर वाइट भी हो चुका है। अब ये 1 teaspoon सॉल्ट जो है ये मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी, और साथ ही जिंजर गार्लिक पेस्ट 2 tablespoon, 1 tablespoon जिंजर 1 tablespoon गार्लिक, ये दोनों पेस्ट भी मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी, और हम इसे मज़ीद 2-3 मिनट भूनेंगे। अब ये चिकन अच्छा सा गोल्डन हो गया है और ये तकरीबन गल चुका है। अब मैं इसमें ये जो दही में हमने मसाले ऐड किए थे और इसे मैंने अच्छी तरह से फेंटा है, ये मैं इसके अंदर डाल दूँगी। ये मसाला इसे बैठ गया, ये भी इसके अंदर चला जाए। अब मैं इसे 3 मिनट तक इसी तरह से ढांप के पकाऊंगी, ये मैं इसका लेड इसके ऊपर लगा देती हूँ। अब ये जो हमने सब्ज़ मिर्च ली हैं इनको हमने मैंने चॉप बोर्ड पर रखा है, और ये आप कोई बड़ी नाइफ़ ले लें या कोई भी ऐसी चीज़ जो इसके ऊपर रख सकें, और इसे प्रेस कर लें अच्छी तरह से। ये देखें, अब ये थोड़ी सी इस तरह से हो गई हैं, डंडी भी नहीं आपने उतारनी, इसी तरह से ये मिर्चें जितनी भी हमने ली हैं इनको इस तरह से प्रेस कर लें। इस तरह से बहुत अच्छा सा टेस्ट इसके अंदर कढ़ाई के अंदर ऐड हो जाएगा। चलो, ये मिर्चें भी रेडी हो गई। अब ये चिकन बहुत अच्छी तरह से पक रहा है और इसकी अरोमा मेरे किचन में बड़ी अच्छी तरह से फैल चुकी है। अब मैं इसमें ग्रीन चिलीज ऐड कर दूँगी, और फिर हम इसे ढककर मज़ीद 3-4 मिनट के लिए पकाएंगे। वाह, बहुत खूबसूरत लग रहा है। मैंने इसमें 3 तरह की मिर्चें ऐड की हैं, ब्लैक पेपर, वाइट पेपर और ग्रीन चिलीज। अगर आपको वाइट पेपर अवेलेबल ना हो तो आप ब्लैक पेपर की जो क्वांटिटी है वो डबल कर लें। काली मिर्च आमतौर पर इजीली दस्तयाब होती है, अगर आपको सफ़ेद मिर्च ना मिले अवेलेबल ना हो तो आप इसी को बढ़ा लें, ब्लैक को।
अब इस स्टेज पे मैं इसमें क्रीम ऐड करूँगी। देखिए 4 टेबलस्पून क्रीम जो मैंने फेंट ली है मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। क्रीम डालकर आपने बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, 2 से 3 मिनट बस पकाएंगे जस्ट, वरना क्रीम फट जाती है अगर इसे ज़्यादा देर पकने के लिए छोड़ दें तो। अब मैं इसे फिर ढाँप दूँगी और ये 2 से 3 मिनट क्रीम के साथ पकेगा चिकन। ये हमारी मज़ेदार सी वाइट कढ़ाई तैयार है। अब मैं इस पर जिंजर डाल दूँगी, ये मैंने बारीक और लंबा लंबा काटा हुआ है, और इसके साथ ही ये सब्ज़ धनिया भी डाल दूँगी। ये हमारी मज़ेदार सी वाइट कढ़ाई तैयार है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपके घर वालों को सबको बहुत पसंद आएगी, जो भी खाएगा। खुश रहिए, दुआओं में याद रखिए, चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।